क्रिएट हो। लाहौर का वाकया हम देखें, यकीनन एक अफसोसनाक वाकया है लाहौर का, जो भी हुआ फिर जो भी हकाइक सामने आए, लेकिन कराची में एक ऐसा घर है जहाँ पे 14 अगस्त के दिन, इस खुशी के दिन, 7 खवातीन और 6 बच्चे शहीद हुए जबकि 8 ज़ख्मी हैं। नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, ऐसे ही विक्टम फरमान अली खान साहब जिनके घर ये वाकया हुआ, इनसे मैं जानूंगा। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से बड़े आपसे अफसोस किया जाता है। आप मुझे ये बताइए सर कि कैसे वाकया पेश आया, क्या टाइम हो रहा था, क्या हुआ सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन 8 अगस्त को मेरे भाई की शादी थी, और शादी के बाद हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि दुल्हन को 7वें दिन जो है ना उनके माँ बाप के यहाँ लेके जाया जाता है, उसके साथ कुछ ख्वातीन जाती हैं, तो वो रस्म थी। उस रस्म के हवाले से हमारे घर से ख्वातीन गई थी दुल्हन को छोड़ने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने जो है ना वो दिन गुजारा, रात को खाना खाया, वहाँ से वापसी थी, दुल्हन को छोड़ के वहाँ से वापस आ रहे थे कि हब रोड जो जा रहे हैं वहाँ पर मौज गोट के पास जो है ना ये वाकया रोनुमा हुआ। वहाँ पर जो भी है उसके गाड़ी के अंदर वो दस्ती बम के लो या ग्रेनेड के लो या जब क्या चीज़ें बहरहाल वो उसके अंदर फेंका, और उससे ये सूरत हाल वहाँ पे हुई। वहाँ पर हम तो नहीं थे, हमारे साथ ख्वातीन के साथ मेरे भांजा और मेरा एक और बच्चा था साथ में, और बाकी पीछे छोटे बच्चे और ख्वातीन हमारी गाड़ी में बैठी हुई थी। ये वाकया, हम यहाँ घर पे मौजूद थे, जेंट्स हमारे सारे गांव से आए हुए मेहमान जो शादी के लिए आए थे, मेरे कज़न, मेरे चचा वगैरह, हम नमाज़ पढ़कर आ रहे थे ईशा की के हमारे पास फ़ोन आया और बताया गया कि भाई इस तरीके से आपके ख्वातीन की जो गाड़ी आ रही थी उसमें जो है ना सिलेंडर फट गया है और आप लोग फौरन वहाँ पर फोन जाए। अच्छा, आपको इब्तदाई तौर पर यह बताया था कि सिलेंडर फट गया, उसके बाद फिर पता चला कि सिलेंडर नहीं था बल्कि उसके अंदर ये जो ग्रेनेड या जो क्या कहलाता है वो दस्ती बम के लो वो उसके अंदर जो है ना फेंका गया, वो बाद में पता चला। तो वो जब हमें यहाँ इतला हुई, यहाँ से फिर हम सीधे जो है वो हॉस्पिटल गए, ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के पास वहाँ पहुँचे, और तकरीबन सारे हम फैमिली के अफराद थे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है ना जो मंज़र था वो बस मैं क्या बयान करूँ, क्या मंज़र होगा कि सारे हमारे घर के अफराद बिखरे पड़े थे, तो समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल। हम सख्ता तारी जैसे हो जाता है इंसान के ऊपर, इस टाइप की हमारी कैफियत हो गई थी, तो सूरत हाल बड़ी गंभीर सी थी कि हमारी समझ से बालातर था कि हम क्या करें। मगर फिर रास्ते में जाहिर से जैसे दोस्तों को पता चला, और फिर वहाँ हॉस्पिटल में सारे लोग, बल्कि इवन ये कि मैं ये नहीं कहूँगा हमारी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी, बल्कि जमात इस्लामी, पीपल पार्टी और दीगर तमाम पार्टियों के लोग वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जो है ना पार्टियों की सियासत से बालातर होकर वहाँ पर उन्होंने भाग दौड़ की हमारे साथ। इसमें हमारे जो बहुत करीबी हमारे साथी हैं, कचकोल खान, शाहजान, मेराज और जो है ना नवाज स्वाती, वैसे बहुत सारे दोस्त जो वहाँ पे हॉस्पिटल में, तकरीबन नाम मैं नहीं गिन सकता, अनगिनत मेरे दोस्त वहाँ पहुँचे थे, और तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार के करीब वहाँ पर लोग पहुँचे होंगे, और उन्होंने फिर जो है ना हमें साइड पर बिठा के सारे मामला उन्होंने संभाले, और जो है ना फिर वो जो है हम तकरीबन रात हमारी हॉस्पिटल में गुजरी, हॉस्पिटल से फिर जो है ना हम जो है वो अच्छा तदफीन जो है वो फौरन कर दी गई थी। जी जी जी, तदफीन फौरन नहीं हुई, तफीन हमारी जो है ना अगले दिन जो है ना रात हॉस्पिटल में गुजरा, फिर शाम को असर के बाद जो है ना वो जनाजे का था, स्टार ग्राउंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर जनाजे का अहतमाम था, जिसमें अब सब सारी मीडिया ने देखा, सारे लोगों ने देखा कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, क्या थे, अनगिनत लोग थे उस जनाजे में, मतलब यहाँ तक कि सारे लोग भी पहुँच भी नहीं पाए थे क्योंकि रोड ब्लॉक हो गए थे सारे, पब्लिक बहुत पहुँची थी। मैं बेहद अपने इलाके का और अपने तमाम लोगों का उसमें बेहद मशहूर हूँ कि सारे लोग तकरीबन जो है ना लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने, अहले महल्ला ने सब जो है ना बड़ा साथ दिया, और जो है ना जनाजा भी आप लोग के मीडिया के सामने जनाजा क्या था वो तो जाहिर आप लोग के इलम में। यकीनन सर, ये क़यामत का मंजर होगा। मुझे उन बच्चों का बताइए, उन बच्चों की क्या उम्रें थी, और जो अभी जो ज़ख्मी हैं उनकी कैसी हालत है, क्या उनको क्या एक्सपेंसेस वगैरह क्या है? जी, अभी तक तो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने तौर पर, उस दिन वज़ीर आला साहब आए थे और उन्होंने अपने तौर पर जो हॉस्पिटल के अखराजात हैं ये उनकी तरफ से सारा उन्होंने यकीन दहानी कराई हुई है हमें,
और दिकर भी उन्होंने हमें यकीनदानियाँ कराई हैं, लेकिन ये है कि अभी तक जो है ना हमारे तकरीबन जो है ना बेहतरी आ रही है। जो हमारे वहाँ पे पेशेंट हैं उसमें से 4 डिस्चार्ज हुए हैं, 4 अभी जो है ना हॉस्पिटलाइज हैं। उम्रें जहाँ तक मेरी बच्चों की उम्र हैं वो आप ये लगा लें कि 1 साल से 10 साल तक के बच्चे थे उसमें मुख्तलिफ उम्रों के 1 साल से 10 साल तक के बच्चे थे। बाकी उसमें मेरी 3 बहनें थी और मेरी जो है ना 2 भतीजियाँ थी बड़ी, एक मेरी भांजी जो गांव से तमाम शहीद हो चुके हैं। उसमें 7 खवातीन और 6 बच्चे हैं। 7 खवातीन में जैसे मैंने कहा मेरी 3 बहनें, एक मेरी भाभी, एक मेरी जो है ना गांव से आई हुई क्या नाम है मेरी भांजी थी, और 2 मेरी बड़ी भतीजियाँ थी इसमें जो इसमें शहीद हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, फ़ौरन कार्रवाई एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, ये जो हुकूमत की जानिब से कार्रवाई कुछ की गई है अभी तक? देखें जी, ये हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि मैं इससे पहले इतना दहशतगर्दी के कई वाक़यात इस मुल्क में हुए हैं और आप लोगों के सामने हैं कि आज तक कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी दहशतगर्दियाँ हुई हैं और ये उससे बड़ी दहशतगर्दी हुई है कि एक ख़ानदान के हमारे 13 अफराद जो है ना, शायद ही मैंने अपनी उम्र में 55 साल की उम्र में नहीं देखा कि एक घर से 13 जनाजे निकले हो। तो इतनी बड़ी दहशतगर्दी इस हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क में दहशतगर्दियाँ हो रही हैं लेकिन उनका सुराग नहीं मिलता, मुजरिम को आज तक उसकी सज़ा नहीं दी गई है। और जब मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती जा रही, वो मुजरिम चीज़ें जुर्म जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, दहशतगर्दियाँ बढ़ती हैं। जब मुजरिम को सज़ा होती वक्त पर तो आज ये सूरत हाल सामने नहीं होती है। और आज हमारा 11वां दिन है हमारी इस सानह का, 11 दिन गुजर गए और लेकिन अभी तक जो है ना कोई जो है ना उसका सुराग अभी तक नहीं लगा पाए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जहाँ हमारी मुल्क की एजेंसियाँ ऐसी कहते हैं कि उनकी बड़े से बड़ा मुजरिम वो घंटों में पकड़ लेते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अभी तक जो है ना हमारा जो है आज 11वां दिन है लेकिन जो है ना अभी तक इतनी कोई सूरत हाल कोई सुराग अभी तक जो है ना मुजरिम का ये नहीं लगा सके। तो क्या कहें, इस मुल्क की हमारी बदकिस्मती है और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक मुजरिम को कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, ये इसी तरीके से ये दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, नहीं रुकेगी। इसका रोकथाम यही है कि आज इसको एक सिंबल बनाया जाए, इस दहशतगर्दी को जो मेरे घर में हुई है इसको एक ऐसा मिसाल बनाया जाए कि इस दहशतगर्द को पकड़ा जाए ताकि आने वाले जो है ना घरों में इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो, आने वाले लोगों की उनकी हौसला अफजाई ना हो, दहशतगर्द की हौसला अफजाई ना हो। तो उसका यही होगा कि अगर उसको सज़ा होगी वो कटहरे में खड़ा होगा तो इसकी रोकथाम होगी, नहीं तो एक अरसे से इस मुल्क में चल रहा है ये सिलसिला चलता रहेगा और इसकी कोई रोकथाम नहीं होगी। बिल्कुल जी, 11 दिन इस वाक़े को हो गए हैं, इसके ज़िम्मेदार मैं भी हूँ एज़ अ सहाफ़ी, इसके ज़िम्मेदार और तमाम मीडिया चैनल्स, वो मीडिया चैनल्स जिन्होंने 14 अगस्त को लाहौर के वाक़े को इतनी हाइप दी कि उस पर वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद नोटिस ले लिया। लेकिन कराची के इस वाक़े को अगर हम मीडिया में देखें तो अभी तक आपके पास ये मुझे बताइए कि कितने कोई चैनल्स आए, कोई लोगों ने आपसे राबता किया कि सर हमें बताइए कि क्या वाक़ा हुआ 14 अगस्त वाले दिन? देखिए जी, मीडिया का ज़्यादा ताल्लुक है तो ये तो एक हकीकत है कि सोशल मीडिया पे ये चीज़, सोशल मीडिया का मैं बेहद मशहूर हूँ, लेकिन जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है इनसे हमारा बड़ा गिला है। उस दिन में मैंने यहाँ पे ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सिर्फ आता है कैमरे सामने लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद मीडिया इस मामले को जो है ना बिल्कुल कतन उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, नज़रअंदाज किया हुआ है। इससे छोटा मसला जो लाहौर का मसला हुआ, हम ये नहीं कहते कि वो गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है, वो भी एक ज्यादती है, लेकिन आप उस वाक़े को भी देखें और इस वाक़े को भी देखें कि वो वाक़ा फ़र्द वाहिद का वाक़ा है। ये वाक़ा जिसमें 13 लोग मेरे घर से जो है ना शहीद हुए हैं, जिसमें मेरा पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब है, जिसमें पूरा स्वाद जो इस वक्त हरकत में आया हुआ, पूरा स्वाद इस वक्त हरकत में, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त पूरा स्वाद जो है ना सरापा एहतजाज है इस वक्त, इसलिए कि ये पूरा हमारा जो ख़ानदान है पूरा बिखरा पड़ा है हमारे पूरे स्वाद में। तो इसकी वजह से पूरा स्वाद जो है सरापा एहतजाज है, सोशल मीडिया इसको कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि एक छोटे से वाक़े को उस पर नौ वज़ीर आज़म भी नोटिस लेता है, उस पर जो है ना वज़ीर वो दिफा भी नोटिस लेता है, तमाम लोग उस पर नोटिस लेते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े वाक़े पर जो है ना उस पर इन्होंने खामोशी अख्तियार की, ना आज अभी तक ना वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है, ना हमारे KPK के वज़ीर आला ने इस पर जो है ना वो नोटिस लिया है। KPK के बहुत सारे MP भी यहाँ पे आए, MNA भी यहाँ पे आए, लेकिन वहाँ का वज़ीर आला अभी तक बिल्कुल खामोश तमाशा ही बना हुआ है, बिल्कुल अभी तक उसने जो है ना किसी किस्म की जो है ना कोई न दादरसी दी है ना कुछ उन्होंने कुछ मतलब हमें यकीन दिया नहीं करा अभी तक जो है ना वो सूरत हाल। सर वाकया तो कराची में पेश आया है, यहाँ के लोग नोटिस लेंगे तो यहाँ के, देखिए जी बात यह है कि यहाँ का मैं तो कह सकता हूँ कि चले मेरे गम में चीफ मिनिस्टर भी आया, ठीक है ना, मेरे गम में और भी यहाँ के लोग आए, यहाँ के
खुसूसन मेरे डिस्ट्रिक्ट मलिर के, तकरीबन मेरे यहाँ पे किसी से कोई गिला नहीं डिस्ट्रिक्ट मलिर, डिस्ट्रिक्ट मलिर के हर पार्टी के हर रुकन ने मेरा यहाँ पे आए। लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इदारों के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ईवान के ज़िम्मेदार लोग हैं, अभी तक जो है उन पर जो है ना उन्होंने किसी किस्म का ना कि हमें कोई हमें तसल्ली दी कि भाई हम जो है ना मुजरिम को पकड़ने वाले हैं या इस किस्म की, कोई अभी तक सूरत हाल नहीं आई। यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं या जो भी ज़िम्मेदार इदारे हैं अभी तक जो है ना उस पर जो ना। अच्छा फरमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो वाकया अफसोसनाक वाकया हुआ है, यकीनन ये कोई ज़ाती दुश्मनी थी या अचानक ऐसा इंसिडेंट हो गया या कोई आपके कोई पहले की कोई दुश्मनी वगैरह थी? देखिए जी, हमारी तो इस कराची में पैदा हुए, हमारे वालिद साहब ने भी सारी ज़िंदगी इस कराची में, आज तक ना हमारे वालिद साहब ना हमारे इस पूरा एल शरपा बल्कि अब स्वात में भी हमारी किसी दुश्मनी नहीं है, यहाँ पर भी हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। और इस ये दुश्मनियाँ जो होती हैं वो छुपती नहीं है, हमारे खुसूसन पख्तूनों की ये रिवायत है कि दुश्मनियाँ नहीं छुप सकती पख्तूनों में, पख्तूनों का और ना पख्तूनों का ये रिवाज है जिस तरह की सूरत हाल रोनुमा हुई है कि जो है ना ख्वातीन और बच्चों के ऊपर जो है ना वो अटैक किया जाए, ये हमारी रिवायत में भी नहीं है। बहरहाल खुली दहशतगर्दी है, लेकिन मुझे एक अफसोस है कि मुझे कुछ सुना है कि जो लोगों से सुना कि पता चला कि 10 मिनट बाद DIG ने कराची के मतलब DIG ने इस पर कहा कि ये जो है ना ज़ाती 90% ज़ाती दुश्मनी मुझे लगती है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारा DIG, इंतहाई अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस की बात है कि 10 मिनट बाद हमारे DIG जो है ना अपनी तरफ से कमेंट करता है कि जो है ना 90% ज़ाती दुश्मनी थी। बड़ा अफसोस है, बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म के बग़ैर किसी तस्दीक के इतने बड़े ज़िम्मेदार आदमी को इस तरह की बात करना इंतहाई अफसोस की बात है कि उन्होंने इस तरीके से बात की और उसको दूसरे रंग देने की कोशिश की, मुझे इंतहाई अफसोस है। उसको ज़ाती दुश्मनी में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा गई, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं, हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ठीक है ना। सीधी बात है कि ये दहशतगर्दी है और ये दहशतगर्दी है बस। अच्छा सर, मुझे बिल्कुल आखिरी बात आपसे ये करूँगा कि अब आपके मुतालबात क्या हैं आगे? हमने देख लिया कि हाइप नहीं मिली मीडिया के, हमने देख लिया कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जिस तरीके से अभी होनी चाहिए, फौरन के फौरन मुजरिम को एक हफ्ते का टाइम लेके या कोई नोटिस देके गिरफ्तार करना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। अब आगे के क्या मुतालबात हैं और आगे का लाए अमल क्या है? जैसे आपने मुझे बताया सवात में इस वक्त हलचल मची हुई है, यकीनन यहाँ पे भी लोगों का आना जाना होगा, तो अब आगे का मुतालबात और लाए अमल क्या है? देखिए, हमारा पहले दिन से जो है हमारा मुतालबा एक ही है कि भाई हमारे मुजरिम को पकड़ा जाए, बस उस मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचना चाहिए, ठीक है ना। यही मुतालबा हमारे स्वात में भी चल रहा है, यही मुतालबा हमारा यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमने डिस्ट्रिक्ट मलिर की सतह पर APC की थी, ऑल पार्टीज इजलास बुलाया था, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि भाई हमारे कोई दीगर एजेंडे नहीं है, हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि हमारा मुजरिम जो है ना वो गिरफ़्तार हो और उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारा बस मुतालबा है। यकीनन जी, इनका मुतालबा यही है कि इनका जो मुजरिम है वो गिरफ़्तार हो। इधर मैं भी ज़िम्मेदार, आप भी ज़िम्मेदार, हमने लाहौर के वाक़े की इतनी हाइप देखी, यकीनन वो एक शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़ा है, लेकिन ये जो वाक़ा है जहाँ पर 13 लोग शहीद हुए हैं, 7 ख़वातीन 6 बच्चे, जो इदारे हैं हमारे, जो ज़िम्मेदार हैं, जो हुकूमतें हैं, उनको इस इदारे का, इस वाक़े का भी नोटिस लेना चाहिए और इस पर भी जल्द अज़ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।